दोस्तों, चाइना हर बार कुछ न कुछ ऐसे कांड करता है जिसकी वजह से उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर चाइना का बेकाबू हुआ रॉकेट मालदीव पर आके गिरा है, जहां पर भारी तबाही मची है। और ऐसे में मालदीव पर इस रॉकेट की भरपाई और उसका नुकसान कौन भरेगा, यही बात है कि चाइना हर बार कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से दूसरे देशों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही चाइना ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, जहां उस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5E रॉकेट, जो चाइना स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा था, जिसके लिए वह रॉकेट पार्ट्स लेके जा रहा था। लेकिन जैसे ही धरती की कक्षा से बाहर निकला, वह रॉकेट पूरी तरह से बेकाबू हो गया और चाइना उस रॉकेट पर से पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठा। ऐसे में यह बेकाबू रॉकेट 90 मिनट में धरती का एक चक्र पूरा कर रहा था। इतनी तेज रफ्तार से धरती के चारों तरफ ये रॉकेट घूम रहा था और इस रॉकेट की वजह से पूरी दुनिया खतरे में थी। अगर यह रॉकेट किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता, किसी बड़े शहर पर गिरता, तो हजारों लोगों की जाने जा सकती थी, क्योंकि इस रॉकेट का वजन 21 टन वजनी है और इसका जो लंबाई है वो 101 फीट से भी अधिक है। इसी वजह से पूरी दुनिया इसे घबराई हुई थी और सभी अंतरिक्ष एजेंसी इस रॉकेट को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये ट्रैक नहीं हो पा रहा था और इसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही थी और ये कहाँ गिरेगा इसका भी नहीं पता लग पा रहा था। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा था कि यह रॉकेट न्यूयॉर्क शहर पर गिरेगा। ऐसे में अमेरिका की सरकार इसे लेकर पूरी तरह से हड़कंप में आ गई थी, लेकिन यह जैसे ही जैसे आगे बढ़ता रहा और धरती के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते ही हिंद महासागर में मालदीव में आकर गिरा है। एकदम हमारे भारत के पास में ही मालदीव में यह रॉकेट गिरा है। वहाँ पर कितनी तबाही मची है इसको गिरने के लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही इसको गिरने से वहाँ पर अगर आबादी वाले क्षेत्र में ये रॉकेट गिरा होगा तो कई लोगों की जाने गई होगी, जिसकी वजह से इसका खामियाजा चाइना को भरना पड़ सकता है या फिर दोनों देश के बीच तनाव पैदा हो सकता है, युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि चाइना हर बार कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से पूरे दूसरे देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक साल पहले चाइना की लेबोरेटरी से कोरोना वायरस लीक हुआ था और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया और वह पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। और कोरोना वायरस अब पूरी तरह से वैश्विक खतरा बन चुका है और धरती पर मंडरा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से ये रॉकेट जो चाइना ने सबसे बड़ा रॉकेट बना डाला अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, ऐसे में यह रॉकेट धरती पर कहीं पर भी गिर सकता था, लेकिन ये मालदीव में गिरा है, जिससे वहां पर भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में मालदीव की सरकार क्या करेगी इसे लेकर, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, देख सकते हैं इस रॉकेट ने कितनी तेजी से धरती पर हिट किया था और आसमान में कितनी तेजी से गुजरा। दोस्तों, ऐसे ही धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।